दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। वल्लभ नगर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैदान में 9 दावेदार हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 2013 से यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं रही और लगातार बदलाव होते रहे। इस बार भी एक बदलाव हुआ है जिसे बहुत बड़ा बदलाव भी कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में जब भी बदलाव होता है बगावत शुरू हो जाती है और बागी बड़े प्रभाव से सामने रहते हैं। लेकिन कहते हैं मुश्किलें सबको कर देती है तंग, जीतता वो है जो हिम्मत के है संग। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह जाला से, और सबसे बड़ा सवाल जो उनसे पूछेंगे वो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में हिम्मत की ज़रूरत थी और किसी भी कीमत पर हिम्मत आ गया। सबसे स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहला जो सवाल है हमारा, वो सवाल ये है कि ये जो टिकट आपको मिला है वह पैसे के बल पर मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, और ख़ास करके मनु राव साहब का, कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से गांव में आकर ये इंटरव्यू करने के लिए आप पधारे, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस योग्य समझा, उसके लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और उम्र भी मेरी 36 साल है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे इस वल्लभ नगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दे। रही बात पैसे की, तो आप मेरे गांव में हैं, एक साधारण से घर में मैंने जन्म लिया है, और बहुत मुसीबतों से जीवन निकला है। मतलब जीवन का स्ट्रगल अगर आप सुनेंगे तो कभी आज शून्य से शिखर तक की यात्रा, एक संक्षिप्त में कहाँ से क्या हुआ? सुना है आप राजधानी में रहें, राजधानी में आप सड़कों पे आपने रातें काटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही सुना है, और काफ़ी मित्र मेरे चुनाव में भी अभी आएंगे तो आपको मिलाऊंगा मैं, जिनके साथ मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया, जिनके साथ मैं एज ए फुटपाथ पर सोया, जिनके साथ मैंने अपने जीवन का वो समय निकाला जिसको याद करता हूँ तो आज भी मेरे अंदर एक वही ताकत जनरेट होती है कि मेरी ज़िंदगी की जो व्यावसायिक शुरुआत जो हुई थी, ऐसे ही मेरी राजनीतिक शुरुआत हो रही है, और मैं संघर्ष से कभी नहीं घबराया, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, और गांव के लोग कभी संघर्ष से नहीं घबराते, वो हमेशा संघर्षशील रहते हैं। 18 घंटे तो हम काम करने की आदत है हमारी बचपन से, आज भी हम 18 घंटे काम कर रहे हैं। राजधानी की बात करें तो एक बड़ा शहर एकदम आप गए, कैसा लगा? कितने मतलब यहाँ से जाने की जो शुरुआत हुई थी वह कैसे हुई थी? रोजगार की तलाश में राजधानी में प्रवेश हुआ, और जब मैंने राजधानी का कैपिटल दिल्ली का कनॉट प्लेस देखा, और कनॉट प्लेस में जिस बिल्डिंग में मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी, पहली बार मैं लिफ्ट में बैठा था, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया। कई दिन तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, लेकिन ठीक है, मजबूती मिलती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है हमारी, तो एक मजबूती हमारे अंदर है, और उस मजबूती के बलबूते मैं यहाँ तक पहुँचा। टाइगर फोर का मतलब क्या है? टाइगर फोर सिक्योरिटी कंपनी है मेरी, और मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, चौकीदार जो होता है, चौकीदार का काम करता था, और चौकीदार का काम करते करते मेरे कुछ वेल विशर्स मिले, उन्होंने बोला कि तुम भी कभी चौकीदार की कंपनी बना सकते हो, और ये जॉब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा,
मुझे ऐसा लगा कि गांव के लोग जो है वो रोज़गार की तलाश में शहरों में आते हैं और वहाँ उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि यार पैसा तो इसमें है ही है, कमाऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि गाँवों के लोगों, मेरे जैसे लोग जो भटकते हुए मेट्रो शहर में घूम रहे हैं, उनको रोज़गार दूंगा। टाइगर फोर का मतलब, टाइगर फोर एक नाम है कंपनी का, लेकिन वो मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम है। हम चार भाई थे तो हमारे पास गांव में बड़े अभाव थे। पिताजी राजस्थान पुलिस में सिपाही थे, पांच भाई बहनों का परिवार था, और राजस्थान पुलिस की सिपाही की उस टाइम की तनख्वाह और सारी बात करें तो क्या उनके पास होता था। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष नहीं हारा। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि ये चार टाइगर हैं मेरे, तो ये पिताजी का जो बचपन का दिया हुआ वर्ड था वो मेरे दिमाग में घूमता था, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम भी टाइगर फोर रख लिया। चार भाई हैं इसलिए टाइगर फोर नाम रखा है। ये आपका गांव है, बचपन की कुछ यादें इन गलियों से, कुछ यादें अगर याद आ रही हो आपको दोस्तों के साथ बिताई? सारी बचपन की यादें यहीं हैं, यहीं हम डाल कामड़ी खेलते थे, यहीं हम कबड्डी खेलते थे, यहीं हम ताश खेलते थे। ताश मतलब वो वाले पत्ते वाले ताश नहीं, वो जो माचिस के लगा के पत्थर से निकालते हैं ना अंदर से। मित्र हैं हमारे, सुन रहे हैं काफ़ी, बकरी चराइए, भैंस चराइए, गांव का सारा काम करते थे, खेतीबाड़ी का। ये बचपन का ही प्यार है कि जीवन में सब कुछ मिलने के बाद इस गांव का ही प्यार है, तो ये गांव नहीं छूट रहा है आज भी। मेट्रो शहर में चले गए हैं लेकिन आत्मा यहीं बसती है, इसलिए भाग के यहाँ आ जाते हैं वापिस। जब भी मौका मिलता है यहाँ आते हैं और यहाँ अपने यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं। सब जीवन का सारा जीवन यहीं निकला है। हिम्मत सिंह झाला पैरासूट उम्मीदवार हैं, बाहर से आए हैं, इतने साल कहाँ गए थे, क्या काम किया था, समाज के बीच में कैसे थे, जनता के बीच में कैसे थे, बताइए। अरे भैया कहाँ गए थे और कहाँ से आए, मैं यहीं हूँ और यहीं का हूँ। अब दिख रहा हूँ मैं लोगों को, अब यूँ दिख रहा हूँ कि एक गाँव का आदमी एकदम से किसी बड़े आदमी को दिखने लग गया। मतलब जिन लोगों ने, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को दर्द यही है कि एक साधारण गाँव का आदमी आज हमारे सामने आके कैसे खड़ा हो गया। मेरे तो खानदान में कोई मंत्री संतरी नहीं रहे, मेरे खानदान में कोई राजा महाराजा नहीं रहे, हम साधारण से एक राजपूत फैमिली में मैंने जन्म लिया है और साधारण राजपूत परिवार है। देख लो, आप खुद देख सकते हैं, मेरे गांव में आज आप बैठे हैं तो यहाँ सुविधाओं का क्या है। सुविधा के नाम पर आज भी राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय है, उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी है अभी इस साल, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं है कि उद्घाटन हुआ नहीं हुआ। और सड़क मार्ग से आप आए हो तो आपको लगा ही होगा कि सड़क मार्ग की स्थिति क्या है। आज भी लोग यहाँ से उदयपुर में जब जाते हैं काम करने के लिए तो 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है उनको, कोई बस सुविधा नहीं है। ये हमारा गांव है। एक बड़ा व्यवसायी राजनीति में आ गया, क्या कारण? देखो आज मैं बड़ा व्यवसायी आपको लग रहा हूँ, लेकिन आप मेरी पीछे की स्टोरी पर जाएंगे तो 2005 में मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, 2010 तक मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता रहा। तो क्या ये हक गांव वालों को नहीं मिल सकता है कि कोई एक गांव वाला मेहनत करके बड़ा आदमी बने? कि बड़ा आदमी वही बनेगा जिसके पिताजी या जिसके परिवार में पैसा है। क्या हम गांव वालों को पैसा या हम कमाने का अधिकार नहीं है मेहनत करके? मैंने अपनी सारी इनकम को वाइट में डिक्लेयर किया है, आप मेरा नॉमिनेशन फॉर्म देखेंगे तो मैंने अपना वाइट का धंधा किया है, वाइट में मेरा बिजनेस है, मेरा राष्ट्रीय बैंकों के साथ काम है। तो व्यवसाय करना अगर बुरी बात है तो भैया हम गांव वाले आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। क्षेत्र के युवाओं के लिए, ये काश्तकार यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनके लिए आपके दिमाग में क्या है या क्या नया करना चाहेंगे आप? देखो ये मेरी प्राथमिकता है, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूँ वो एक अलग विषय है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था, जब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था तब भी रोजगार को लेके मेरा एक बड़ा विज़न है, क्योंकि रोजगार के अभाव में मैंने खुद ने अपना जीवन बहुत स्ट्रगल में काटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भाई नौजवान इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में हजारों बच्चे जो बेरोजगार हैं और उसकी तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं दिया उन पर। रोड नाली विकास की बातें तो सब करते हैं लेकिन ये तो करना ही है, ये तो प्राथमिकता है, लेकिन आपके विजन डॉक्यूमेंट में रोजगार के लिए, युवाओं के लिए खास करके, उनके लिए कुछ करने की तो तमन्ना होनी चाहिए। आज तक मैंने तो अभी किसी के मैनिफेस्टो में, मेरा जीवन यही निकला, मैंने सारे इलेक्शन यहाँ देखे हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग भी करी है, जिनके सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उन सब लोगों की मैंने कैंपेनिंग करी हुई है, लेकिन उनके विजन डॉक्यूमेंट में कभी रोजगार को लेकर कोई एक बात नहीं रखी गई है। मेरी प्राथमिकता ही यही है कि अगर वल्लभ नगर की जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है और ये नौजवान साथी मेरा साथ देते हैं, और मैं आपको अगले 6 महीने में मेरा रोडमैप बताऊंगा कि क्या मेरा रोडमैप है और मैं कैसे युवाओं को रोजगार दे सकता हूं। मैंने स्वयं ने नौकरी की तलाश करी है,
दिल्ली में जाके, और वहाँ मैंने 18,000 लोगों के रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर एक विज़न तो है कि मैं नौकरी दे सकता हूँ। दिल्ली आपका आना जाना लगा रहता है तो हवाई यात्राएं भी होती है, अभी जो बागी खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा में आपका टिकट फाइनल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे टिकट अगर हवाई यात्रा में फाइनल होते हैं तो देश भर में पूरे दिन में 1,000 हवाई जहाजें उड़ती है और उतरती है, और उसमें कम से कम एक हवाई जहाज के अंदर 400 लोग बैठते हैं, तो सबको टिकट मिल जाता है। ये तो कहने की बातें हैं, हवाई जहाज के अंदर टिकट फाइनल नहीं होते हैं। धरातल पर रहकर पिछले 10 सालों में जो सामाजिक सेवा में काम कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है, उस चीज़ को मेरे अंदर देखा है कि एक आदमी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, व्यवसायी बन गया, दिल्ली आ गया, फिर भी उसकी आत्माएं गाँव में बसती है, वो गाँव में जाके रहता है और गाँव के लोगों की बात सुनता है और गाँव के लोगों के बीच रहता है। आज भी मेरे को शर्म नहीं आती है, मेरे गाँव में मैं किसी के साथ बैठ के कोई भी बात करता हूँ या किसी से मेरे अपने दिल की बात करता हूँ, और कोई भी प्रोग्राम आता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं आता जाता हूँ, बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि हवाई जहाज़ों में टिकट फाइनल नहीं होते, ग्राउंड पे काम करने के लिए होते हैं, और आपके अंदर एक संस्कार होना चाहिए। मेरे अंदर, मेरे पिताजी और मेरे इस झाला परिवार जो जहाँ बैठे हो, इसका एक संस्कार रहा है शुरू से ही कि हम कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, हम हाथ जोड़ के ही जवाब देते हैं। तो ये विनम्र स्वभाव और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया है उसकी बदौलत और भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, तभी मैं एक चौकीदार से चौकीदार की कंपनी का मालिक बना और एक वोटर से एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना। सांसद सीपी जोशी जो हैं, 9 दावेदार यहाँ पर थे और आप उनकी पसंद रहे और आपको टिकट भी मिल गया, एक आरोप और है कि आपके और सांसद साहब के कोई व्यापार में कोई पार्टनरशिप है, क्या कहना चाहेंगे? भैया आजकल तो ITI का ज़माना है, आप सब लोग ITI डाल के देख सकते हैं, और ऐसे लोकप्रिय सांसद के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना, सांसद साहब ने मेरा नाम लिया या नहीं लिया ये विषय मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये हाँ टिकट तो मुझे मिला है, तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी से पूछा होगा तो मेरे लिए बोला होगा। लेकिन व्यापारिक संबंध की बात करते हैं, आप आज तक एक बूंद पानी का नहीं पिया है उन्होंने मेरा, और मैंने एज ए वोटर अगर उनको फ़ोन किया कभी, मैं क्योंकि चित्तौड़ लोकसभा का निवासी हूँ और वो मेरे सांसद हैं, और मुझे किसी काम के लिए, मेरे गांव की किसी समस्या के लिए अगर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने सिंगल, अरे भैया इस गांव में पहली बार आज़ादी के बाद जीतने के बाद कोई सांसद आया तो वो सीपी जोशी आया है, हमारे गांव में आज तक हारा हुआ जीता हुआ सांसद ही नहीं आया, ऐसे सांसद के ऊपर आप एलिगेशन कर रहे हो? जिस आदमी ने आज तक 7 साल इस क्षेत्र की जनता के लिए इतना कार्य किया है, इतना काम किया कि आप सोच नहीं सकते हो, क्षेत्र को, युवाओं को बढ़ाने के लिए, मेरे जैसे युवाओं को तलाश के वही लेके आए कि भैया आप दिल्ली में रहते हो और आप रहने वाले वल्लभ नगर के हो तो आप अपने इलाके के लिए क्यों नहीं कार्य करते हो? उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप सामाजिक सेवा करो, अगर आपको, आप 2 पैसे कमा रहे हो दिल्ली में रह के और 2 पैसे आपको खर्च करने हैं CSR के माध्यम से करने हैं या पर्सनल खर्च करने हैं तो अपने ग्रामीण एरियो के लिए करो। तो ये बात सही है कि मैंने उनसे प्रभावित होकर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया, लेकिन राजनीति में मैंने उनको आज तक कभी नहीं बोला कि साहब मुझे टिकट दो और मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा एक मनस्थिति हुई और मुझे लगा कि दावेदारी कर देनी चाहिए, मैंने दावेदारी कर दी। दावेदारी तो मैंने नॉर्मल वे में ही करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया तो मैं उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ रहा हूँ जिस पैटर्न पे दूसरे नेता चुनाव लड़ते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, वल्लभ नगर की जनता जनार्दन है और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र है और पहली बार किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाया है, तो ये गांव की जनता जनार्दन मेरे साथ है, गांव के माँ बाप का मेरा आशीर्वाद है और मैं गाँव में जा रहा हूँ, भरपूर प्यार मिल रहा है, युवा साथी मेरे कंधे से कंधे मिला के साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों पर कोई ध्यान देना चाहिए। 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की सीट आ गई थी, श्रीमान स्वर्गीय गजेंद्र सिंह सत्तावत जी के निधन के बाद में यह विधानसभा कुछ, मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहे थे, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता और उनकी मुख्य मूलभूत मांग क्या है उनकी? मैं तो कहता हूँ भैया मूलभूत नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो ग्रामीण समस्या, कल मैं ऐसे ऐसे गांवों में गया हूँ जहाँ पे चलने के लिए मुझे खुद को स्ट्रगल करना पड़ा, रोड नाली पानी, इतना पानी भरा हुआ कि पैर मिट्टी के अंदर घुस गए। आप ये समझो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर कार्य होता तो ये जो आप हर बार चेंज देखते हो वो चेंज नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं
व्यक्तिवादी सोच का आदमी नहीं हूँ, संगठन विचारधारा का आदमी हूँ। संगठन के साथ काम किया है मैंने, और संगठन की विचारधारा के होने के नाते मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि गांव में जाके गांव वालों के साथ बैठ के अगर उनकी समस्याओं को एक एक करके सोल्व किया जाए तो अब तक काफ़ी समस्याएं सोल्व हो चुकी होती। और मेरा विज़न भी यही है कि मैं गांव में जाऊंगा फिर दोबारा जीतने के बाद जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने के लिए, और गांव में जनता के साथ बैठ के जनता के बीच में रह के उनकी समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। 9 उम्मीदवार हैं, 3 भाजपा से ही हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा से तो मैं अकेला हूँ, आप 3 कह रहे हैं। जो लोग पार्टी से अलग हो जाते हैं वो भाजपा के प्रत्याशी नहीं होते हैं, उनकी अपनी एक पार्टी होती है। जैसे मेरे लिए बोला जा रहा है कि नया कैंडिडेट है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि नई पार्टियों का क्या वजूद है? नई पार्टी भी तो नई पार्टी हो सकती है ना। जब कैंडिडेट नया हो सकता है तो पार्टी पूरी नई हो, तो जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, और इसके अंदर बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है लोगों के अंदर। भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 7 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य किए हैं वो कार्य बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। मतलब गांवों के लोगों का प्यार जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भाई आज तक हमारे किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य नहीं किया। जो काम अभी हुए हैं 140-145 के आसपास की योजनाएं हैं टोटल, जो ग्राम गांवों के विकास के लिए वो योजनाएं सारी धरातल पर काम कर रही है। उन धरातल पर जो योजनाएँ बची हुई हैं कुछ नहीं लागू हो पाई है उनको लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर में जिसे टिकट देती है 5 साल तक उस पर भरोसा करती है और 5 साल बाद किसी और को दे देती है। अगर बात करें 2013 की गणपत जी मेनारिया, 2018 की अपने उदयलाल जी, और अब आपको 2023 की क्या स्थिति मानते हैं आप? देखो फ्यूचर का तो आज तक कोई नहीं बता पाया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी अब स्टेबिलिटी चाहती है कि कहीं ना कहीं रुक जाए। तो कहीं ना कहीं रुकने के विचार से उन्होंने मेरे जैसे युवा को आगे किया है, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले या नहीं मिले इस पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए इस वल्लभ नगर विधानसभा में जीवन भर कार्य करता रहूँगा। अब मेरी जिंदगी जितनी बची है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बची है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता रहूँगा। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? अभी तो टक्कर में मैं मेरी जीत का ही बात करूँगा, लेकिन मुख्यतः टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? जो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? वल्लभ नगर के सभी मतदाताओं का मेरा प्रणाम। मेरी जनता मेरी जनार्दन है और मैं उनका सेवक और मैं उनका चौकीदार हूं। मैंने खुद ने चौकीदार की नौकरी करी है, तो मुझे लगता है कि वल्लभ नगर का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौकीदार बना दिया है, और जनता के लिए एज ए चौकीदार बनकर मैं काम करूँगा, और इस चौकीदारी की इतनी चौकीदारी टाइट होगी वो आपको अभी थोड़े दिनों में दिखेगी कि कैसे चौकीदार काम करता है। ठग बंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का दिया कहीं की बाती है, ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, जैसा दिनकर ने लिखा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विधानसभा वल्लभ नगर का सिंहासन खाली है, जनता के सामने 9 दावेदार हैं, 9 उम्मीदवारों से आप किसी को भी चुने, लेकिन 30 अक्टूबर को मतदान जरूर करें। नमस्कार। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी, जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनुराव के साथ।